الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد ایک اور بلند تر صلوات پڑھ دیں اللهم صل على محمد وآل محمد قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ حشر کی اس عظیم فکر انگیز آیت کے ضمن میں قرآن اور حسین کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کل میں عرض کر چکا ہوں کہ ارشاد الہی ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ خوف و خشیت الہی سے لرز جاتا، کانپ جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اور یہ مثالیں وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، اور یہ مثالیں ہم اس لیے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ فکر کریں. ظاہر ہے سب سے پہلے جب فکر کا سلسلہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں شروع ہوگا تو خود حقیقت قرآن تک پہنچے گا. گزشتہ تین مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی حقیقت نورانی ہے اور بہت عظیم ہے. بہت عظیم ہے، اتنی عظیم کہ یہ بھی ان حقائق وجودیہ میں سے ہے جن حقائق کے تعلق سے ذہن انسانی مکمل تصور قائم کرنے سے قاصر ہے. ذہن انسانی بہت وسعت رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ذہن انسانی بہت گہرائی اور گہرائی رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. انسان کی قوت متخیلہ بہت وسیع ہے، یعنی دامن خیال بہت وسیع ہے، اور یہ خود قوت متخیلہ، خیال کی قوت و صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. پھر اس سے اوپر اٹھ کر قوت عاقلہ ہے، وہ بھی بہت وسیع ہے، بہت عظیم ہے قوت عاقلہ انسانی. ذہن انسانی جو اس قوت عاقلہ کی آماجگاہ ہے، جولاگاہ ہے، یہ بھی بہت وسیع ہے.
इन तमाम वसअतों के बावजूद, इन तमाम गहराइयों गीराइयों के बावजूद पूरा ज़र्फ़ ज़हन इंसानी हकीक़त क़ुरान के इस्तेआब के लिए नाकाफ़ी है। यानी पूरी की पूरी हकीक़त क़ुरान ज़हन इंसानी में आ जाए ये नाकाफ़ी है, मुमकिन नहीं। इसीलिए चूँकि मुकम्मल हकीक़त इंसानी हकीक़त क़ुरानी ज़हन इंसानी में आ नहीं सकती, इसीलिए क़ुरान मजीद का एक तौर वजूद ये क़ुरान अरबी मुबीन है। बहस इतनी आसान भी नहीं है जितनी आसान कुछ हजरात समझ रहे हैं, बहस मुश्किल है, कलामी बहस भी है, ये इल्म कलाम से ताल्लुक़ रखती है और यानी इल्म अकायद से, और हिकमी बहस भी है यानी हिकमत से ताल्लुक़ रखती है, इल्म हिकमत से फ़लसफियाना बहस है। वलाबुद्द मिन, कोई चारा नहीं है कि इंसान फ़लसफियाना अप्रोच ना इख्तियार करे। बाज़ हज़रात फ़लसफ़ा बेजार वाक़े हुए हैं, हत्ता के उलमा के दरमियान भी हौज़ा इल्मिया में एक मकतब तफकीक है, असल फ़लसफ़े का कायल नहीं है, फ़लसफ़े की बातों फ़लसफ़ी की बातों पर कान धरने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जब आप लफ्ज़ वजूद इस्तेमाल करते हैं तो वहीं से बात फ़लसफ़े से जुड़ जाती है। वजूद को कौन पहचानेगा, वजूद को कौन पहचानवाएगा, वजूद को कौन डिफ़ाइन करेगा? अगर वजूद डिफ़ाइन करने के काबिल नहीं है तो ये बात भी कौन समझाएगा कि ये डिफ़ाइन करने के काबिल नहीं है? इन्हीं मबाहिस का नाम तो फ़लसफ़ा है। इन्हीं अब नाम ला मुशाहता फ़िल इस्तिलाह, इस्तिलाह में कोई झगड़ने की बात नहीं है। आप उसे फ़लसफ़ा न कहिए, हिकमत कहिए, आप उसे हिकमत न कहिए, इरफान कह लीजिए, आप उसे इरफान न कहिए, फ़िक़्हे अकबर कह लीजिए। ख़ुद मैं इस बात का कायल हूँ कि क़ुरान ने जो फ़िक़्ह का कलिमा दिया है, ये फ़िक़्ह का कलिमा बहुत अजीम व वसी है, और फ़िक़्ह के मरातिब हैं। फ़िक़्ह अकबर में यकीनन ये बहसें दाखिल हैं। फ़िक़्ह अकबर यानी फ़िक़्ह का वो इल्म फ़िक़्ह जिसमें उसूल दीन और अकायद से मुतालिक बहस होती है, और फ़िक़्ह असगर ये है जो आम तौर पर जिसे सिर्फ़ फ़िक़्ह कहकर हम मुराद लेते हैं, यानी इल्म फ़ुरूए दीन, शरीयत के अहकाम, तहारत के अहकाम, सलात के अहकाम, सोम के अहकाम, ज़कात के अहकाम, ये जो अहकाम से बहस है, फ़ुरू से बहस है, अज़ान क्या है, फ़ुसूल अज़ान कितने हैं, अकामत क्या है, नमाज की कई रकअतें हैं, रुकू में जाएँ तो सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे कितनी बार कहें, है ना, तशहुद में क्या पढ़ें, सलाम में क्या पढ़ें, कितने सलाम वाजिब हैं, कितने मुस्तहब हैं, क़ुरान नमाज में दुआ मांगने की इजाज़त कितनी है, कितनी नहीं है, कहाँ किन अल्फाज में दुआ कर सकते हैं। ये जो फ़ुरूए दीन की बहसें हैं, ये हैं शरीयत से मुतालिक बहसें जिसे फ़िक़्ह में डिस्कस करते हैं, और यह है फ़िक़्ह असगर। वरना फ़िक़्ह अकबर उसमें ये बहसें आएंगी। तो क़ुरान मजीद की असल हकीक़त यानी वो हकीक़त जिसके मुतालिक इस आयत में इशारा है कि अगर हम क़ुरान पहाड़ पर नाजिल कर देते, कल मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि पहाड़ से मुराद यहाँ वाक़ई पहाड़ नहीं है, पहाड़ मौज़ूइयत नहीं रखता, कायनात की संगीन तरीन चीज़, वज़ीन तरीन चीज़, सख्त तरीन चीज़, मादी लिहाज से मजबूत तरीन चीज़, उसको भी जहन में ले आओ, कुरान अगर उस पर नाजिल किया जाता तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता, बल्कि पिघल जाता खौफ व खशियत इलाही से। यह है आज़मत कुरान, यह हकीकत कुरान,
और जहाँ ये दो बातें समझ में आई कि आज़मत ये है, जलाल ये है कि वो शय टुकड़े टुकड़े हो जाती, पिघल जाती, और हकीकत ये है कि ज़हन इंसानी काबिल इस्तेआब नहीं है, ज़हन इंसानी कुन है, हकीकत क़ुरान को समझने से कासिर है। ये दो बातें अगर समझ में आ जाएँ तो उस कल्ब की अज़मत समझ में आएगी जिस कल्ब पर यह क़ुरान नाजिल हुआ है। क़ुरान की अज़मत समझ में आ गई तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की अज़मत समझ में आ जाएगी। ये अज़मत है मुस्तफ़ा। और बस यहीं पर एक जुमला अर्ज़ कर दूँ, अब ये बदीही नतीजा है, इसे बदीही कहते हैं, कुछ और नहीं कहते। जब ये बात वाज़े हो गई कि क़ुरान मजीद की हकीकत कुन है, हकीकत तक का ज़हन इंसानी अहाता नहीं कर सकता, तो उस कल्ब का अहाता कहाँ कर सकेगा जिस कल्ब ने उसका अहाता किया हो। यहीं से फ़र्क वाज़े हो जाता है आम इंसानों में और उस इंसान कामिल में जिसका नाम मुहम्मद है। सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। सब मिलकर एक और बुलंद सलावात पढ़ते हैं मुहम्मद। जब कुन है हकीकत कुरानी तक ज़हन नहीं पहुंच सकता, अहाता नहीं कर सकता, तो उस कल्ब का अंदाज़ा कीजिए जिस कल्ब ने उस हकीकत का अहाता किया हो। वो है कल्ब मुस्तफ़ा, वो है ज़ात मुस्तफ़ा। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि कुन है ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, तक आम ज़हन बशरी नहीं पहुंच सकता, तो ये कोई गुलू नहीं है, ये कोई मुबालगा नहीं है। ज़ात गिरामी मुस्तफ़ा बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है ज़ात गिरामी मुस्तफ़ा। और जब बात यहाँ तक आ गई तो फिर ये कहने में मुझे तामुल नहीं है कि वो तमाम शख्सियतें जिनको मुस्तफ़ा से मिन्नियत की निस्बत हासिल है, जिनके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया कि इन्नहु मिन्नी व अना मिन, वो मुझसे है और मैं उससे हूँ, जिसमें सबसे पहले ज़ात गिरामी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी इस सलावात से फरिश्ते राज़ी हो जाएं, मैं तो नहीं राज़ी होऊंगा। अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, नफ़से रसूल, क़ुरान नातिक, फ़र्ज़ंद अबू तालिब, दुर्रे शाहवारे फ़ातिमा बिनते असद, जिसे मैं फ़र्ज़ंद अबू तालिब तो कहता हूँ लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उसे फ़र्ज़ंद काबा कहता हूँ। वो फ़र्ज़ंद काबा, वो अबू तुराब, अबू तुराब, फ़र्ज़ंद काबा अबू तुराब ना होगा तो कौन होगा। अगर आप इस इस्लामी नज़रिए के कायल हैं कि ये पूरा कुरा अर्ज़ी, ये पूरी ज़मीन जो बिछाई गई है, ये फैली है कहाँ से, ये एक नुक्ते की तरह थी काबे के वसत में, ये काबे के नीचे से फैलाई गई, ये जो ज़मीन काबे के नीचे से फैलाई गई, इस ज़मीन से उसका रिश्ता उबुव्वत ही का होगा जो उस काबे के अंदर पैदा हुआ। एक सलावात पढ़ दीजिए मुहम्मद वाले, माशाअल्लाह, जज़ाकअल्लाह। तो
हुजूर ने एक दो नहीं, न जाने कितने मकामात पर फरमाया है, अली मेरा मुझसे है, मैं अली से हूँ। और फिर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुतालिक और हज़रत इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा अबू अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालिक भी मशहूर तरीन हदीसों में से है, जिसका कोई सही सच्चा किसी भी मसलक का हो, कोई सही सच्चा मुहद्दिस इनकार नहीं कर सकता कि हज़रत ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। तो इन तमाम हस्तियों का ताल्लुक़ हुजूर से अगर मिन्नियत का है और हुजूर का ताल्लुक़ कुरान से ये है जो अर्ज़ किया आपके सामने, तो इन तमाम हस्तियों को आम अक्ल इंसानी समझ नहीं सकती। बस हम ये कर सकते हैं कि उनकी तालीमात की रोशनी में ख़ुद को समझने की कोशिश करें, उनके मासूम किरदार की रोशनी में अपने किरदार को संवारने की कोशिश करें, उनकी तालीम हर कदम पर सामने रहे और उस पर अमल हो। अगर मुआशरे की ये कैफियत हो तो फिर कोई शख्स ऐसा पैदा हो ही नहीं सकता जो कुरान मजीद की अजमत में शक व शुभा पैदा करे। लोग कहते हैं मसअले तहरीफ़, असल मैं मसअले तहरीफ कहने का भी कायल नहीं हूँ, ना मसअले तहरीफ ना कज़िया तहरीफ, शुभ है तहरीफ, शुभ है तहरीफ। इल्मी एतबार से मैं इसे इस लेवल पे नहीं रखता कि उसको मसअला कहूँ या कज़िया कहूँ। तमाम आलम इस्लाम में सुन्नतन व शीआतन, शीआतन व सुन्नतन, नाम बरादरान अहले सुन्नत को कह सकते हैं कि तुम तहरीफ़ के कायल हो, और न वो बरादरान शिया को कह सकते हैं कि तुम तहरीफ़ के, कोई तहरीफ़ का कायल नहीं है। चंद शुदूध शुदूध शाद शख्सियतें, और वो भी या ज़ईफ़ुल अक़ल हैं या अगर आक़िल हैं तो ज़ौफ़े अक़ल की कैफियत में इस शुभे में मुबतला हो गई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। कि नहीं, वो हकीकत जो बतौर एजाज इलाही, और वो भी ऐसा मुजज़ा जो क़्यामत तक बाकी रहने वाला मुजज़ा हो, उसमें कोई आकर तहरीफ कर सके? अव्वलन वो माहियत ऐसी नहीं है जिसमें तहरीफ हो सके, सानियन उसके मुहाफिज ऐसे हैं कि जिनके होते हुए तहरीफ नहीं हो सकती। अब भी अगर कोई तहरीफ का दावा करे या तहरीफ का ऐलान करे या इस शुभे को बार बार उभारे तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो काफिरों मुशरिकों मुलहिदों या सहयूनियों का नुमाइंदा हो सकता है, होगा, हो सकता है इसराइल से किसी का ताल्लुक हो, सहयूनियत से ताल्लुक हो, किसी और नीयत से ताल्लुक हो, किसी भी सहयूनियत तक महदूद नहीं है, किसी भी नियत से ताल्लुक हो सकता है। मगर कुरान मजीद में तहरीफ का कायल होने के बाद कोई कुछ रह सकता है, मुसलमान नहीं रह सकता। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। इस कुरान मजीद का ताल्लुक़ ज़ात गिरामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से जो है वो आपके सामने एक रुख मैंने अर्ज़ किया। एक तरफ ख़ुद क़ुरान वो अज़ीम हकीक़त है जिसकी कुन है हकीक़त तक, बातिन क़ुरान तक, हकीक़त क़ुरान तक, माहियत क़ुरान तक, हुवियत क़ुरान तक कोई पहुँच नहीं सकता। ये ठीक है, ये इबारतें सब पढ़ते हैं, ये बिस्मिल्लाह से वन्नास तक दो दफ्तियों के दरमियान जो कुरान है इसका एक एक हर्फ एक एक लफ्ज़ एक एक हरकत अल्लाह की तरफ से नाजिल है और हमारे लिए हुज्जत है इस दुनिया में। इस ज़ाहिर कुरान के मावरा जो हकीकत कुरान है, अब आप कहेंगे ये क्या बार बार आप फरमा रहे हैं ज़ाहिर कुरान और हकीकत कुरान और मावरा। अगर बहुत मुश्किल हो तो मैं आपकी मिसाल दे दूँ, आप हजरात सामने जो भी बैठे हैं कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए अब यहाँ पर, तो ये कोई भी आ जाए,
ये मिसाल शायद इससे पहले भी मैं दे चुका हूँगा एक से ज़ायद मरतबा, चूँकि ये मिसाल ऐसी है जिसे देकर इंसान के ज़हन को बेदार करना और उसको ख़ुद शनासी की तरफ लाना मकसूद होता है। और एक दिलावेज़ मिसाल है कि ख़ुद आपने अपनी शख्सियत की इस लाजमी डुअलिटी को महसूस किया है कि आपका ये जो चेहरा है जो आईने में नज़र आता है ये आपका चेहरा नहीं है, ये आपके बदन का चेहरा है, ये आपके जिस्म का चेहरा है। ये आईने में जो देखते हैं, और देखना मुस्तहब भी है, आईने में देखना ख़ुद को अपने चेहरे को मुस्तहब है, पांचों वक्त नमाज से पहले वज़ू के बाद चेहरा देखना चाहिए, महासिन पर शाना करना चाहिए यानी दाढ़ी में कंघी करनी चाहिए, जुल्फ़ें संवारनी चाहिए, अच्छा लिबास पहनना चाहिए, अपने बेहतरीन लिबास के साथ और बेहतरीन ज़ेब व ज़ीनत के साथ हक़ सुबहानहु व तआला के सामने पेश होना चाहिए। ये अदब सिखाया गया है हमें। पहारत और नज़ाफ़त और नफासत जौहर इस्लाम है। साफ़ रहना, पाक रहना और दिलावेज़ बन के रहना, सजी संवरी हुई शख्सियत के साथ रहना दुनिया में, ये इस्लाम ये चाहता है आपसे। इस्लाम को कसाफत से बैर है, गंदगी, रेज़, नजासत, कसाफत, गंदगी, मैल, बुए बद, इंसान के वजूद से खुशबू आनी चाहिए। और अगर इंसान अपनी इंसानियत पर बाकी रहे तो यूं ही बग़ैर इत्र के उसके पसीने से भी खुशबू आती है। यकीन रखिए अगर इंसान अपनी इंसानियत पर कायम रहे, इंसान अगर इसे लिख लीजिएगा, कहाँ लिखिएगा, कागज़ पर, डायरी में, पत्थर पे, न कागज़ की डायरी में लिखिएगा न पत्थर की तख्ती पर, लौहे कल्ब पे लिख लीजिएगा, इसे मुसहफ़े दिल में लिख लीजिएगा, दीवाने ज़हन में लिख लीजिएगा, बयाज़े जाँ में लिख लीजिएगा, वहाँ लिख लीजिएगा कि अगर इंसान अपनी इंसानियत पर बाकी रहे तो उसके पसीने से इत्र से ज़्यादा खुशबू आएगी। ये कोई शायरी नहीं कर रहा हूँ मैं, ये ख़ुद एक पैगाम है। तो बहरहाल ये जो आप अपना चेहरा आईने में देखते हैं ये मुस्तहब है, अच्छी बात है, मगर इसमें वाकई आपका ये जिस्म का चेहरा नज़र आता है, बदन का चेहरा नज़र आता है, मादी चेहरा नज़र आता है, आपका चेहरा। देखिए इंसान का ये जो बदन है इसमें है गोश्त, हड्डी, खून, रगें, पट्ठे, चर्बी, खाल, बाल और न जाने क्या क्या, ये है आपका। अब जाहिर में मेडिकल साइंस और एनाटॉमी की क्लास तो ले नहीं रहा हूँ इस वक्त, ये है आपका बदन। आपका इंसानी वजूद क्या है, वो चेहरा, वो जिस्म तो मजाजन कह रहा हूँ, वो बदन, वो वजूद आपका, वो पैकर, वो माहियत, उसमें इल्म, हिल्म, अखलाक, सखावत, शुजाअत, अदालत, इंसाफ, मोहब्बत, मुरव्वत, मवद्दत, और हमारे आप इन चीज़ों का मजमू, वहाँ हड्डी, गोश्त, बाल, खाल नहीं है, और ये चीज़ें आईने में नज़र नहीं आती। जब आप शीशे का या पत्थर का या लोहे का फौलाद का आईना देखते हैं तो उसमें आपका इल्म नज़र आता है, नहीं नज़र आता, आपकी मोहब्बत नज़र आती है, उमूमन नहीं नज़र आती है ना, आपकी सखावत उसमें नज़र आती है,
नहीं नज़र आती। अदालत शियारी नज़र आती है आईने में, नहीं नज़र आती। ये सब चीज़ें नहीं नज़र आती ना, मोहब्बत मुरव्वत अखलाक आईने में नज़र आता है नहीं। इसके लिए दूसरे आईने हैं जहाँ नज़र आता है। शायद एक बरस पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ लेकिन याद दहानी हो जाए, आपका इल्म किस आईने में नज़र आएगा? दो आईने हैं इसके लिए, या आपके उस्ताद के दिल का आईना या आपके शागिर्दों के दिल का आईना, वहाँ आपका इल्म नज़र आएगा। आईने में नहीं नज़र आएगा कि आपका इल्म कितना है, आपका शागिर्द बता देगा कि इनका इल्म कितना है, या उस्ताद बता देगा या दूसरा आलिम बता देगा कि आपका इल्म कितना है। आपके दर पे आने वाले सवाल ही बताएंगे कि जनाब में सखावत है कि नहीं है। आपके मुकाबले में मैदान में आने वाले बताएंगे, या मैदान की मैदान जंग की उड़ती हुई गर्द बताएगी कि शुजा कौन है, कर्रार कौन है, फर्रार कौन है। वाज़े है, वाज़े है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इंसान अगर अपनी इंसानियत पर कायम रहे तो ये बहुत बड़ी अज़मत है। बात आगे बढ़ गई, मैं तो कुन हिजात की बात कह रहा था कि आपका एक ज़ाहिर है और एक बातिन। ये चेहरा जो नज़र आता है ये ज़ाहिर है और ये बहुत महदूद है, मीटर सेंटीमीटर लेके इसे आप नाप सकते हैं। अब तो पता नहीं, लेकिन जब पहली बार मैंने पासपोर्ट बनवाया था तो पासपोर्ट फॉर्म में भी लिखना पड़ा था कि कद बताइए कितना है, कितने सेंटीमीटर आपका कद है, कितना इंच आपका कद है, या कितना फिट आपका कद है। वाज़े है। और आपका ज़ाहरी बदन नापा भी जा सकता है, तोला भी जा सकता है। इस महदूद बदन में साथ दे दीजिएगा, तवज्जो रखिएगा। पहले नतीजा कुछ और अक्स किया था, अब कुछ और अक्स कर रहा हूँ ताकि मेरे मौजू से जुड़ी रहे बात। आपके जिस्म का हदूद अरबा बिल्कुल एग्जैक्ट सही सही, आज की साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि ये नाप के तौल के बता सकती है, और वो यकीनन बहुत छोटा सा महदूद हिस्से वजूद मादी है जो सामने आएगा। लेकिन इस छोटे से महदूद वजूद मादी के अंदर कितना गहरा इल्म है, कितना गहरा अखलाक है, कितना अजीम अखलाक है आपके अंदर, कितना वसी व अरीज हाफिज़ा है आपका, कैसी अजीम कुव्वत मुतखय्यला है आपकी, कितनी बेपनाह क्रिएटिविटी है आपके अंदर, कितनी बेपनाह दरिया दिली है आपके अंदर, समंदरों की तरह आपके अंदर रहम है, करम है, शुजात है। ये तमाम चीज़ें काबिले कयास नहीं है कि इतने छोटे से मादी वजूद में इतनी अजीम कायनात छुपी हुई है जो किसी भी एतबार से पैमाइश जिसकी नहीं की जा सकती, जिसे मेजर नहीं किया जा सकता, जिसे वेट नहीं किया जा सकता। जब हमारे और आपके ज़ाहरी और बातनी वजूद में ये रिश्ता है तो फिर कुरान मजीद के अल्फाज गिने जा सकते हैं, आयतें गिनी जा सकती हैं, हरूफ गिने जा सकते हैं, ज़ेर ज़बर गिने जा सकते हैं, मगर इस कुरान मजीद के अंदर इल्म इलाही की कितनी गहराई है कोई नहीं हिसाब कर सकता। इल्म इलाही की कितनी गहराइयाँ इसमें आ गई हैं, इस कुरान मजीद में इन अल्फाज के मावरा। ये वाज़े तो वो कुन है हकीकत ज़हन इंसानी में नहीं आ सकती। इंसान बिस्मिल्लाह से वन्नास तक हाफिज़ कुरान बन सकता है, आम इंसान की बात कर रहा हूँ अभी मैं, आम इंसान हाफिज़ कुरान बन सकता है। एक एक हर्फ एक एक आयत उसे याद होगी, बल्कि इख्तिलाफ़ क़िरात के साथ याद होगी, किस कारी ने किस तरह पढ़ा, किस कारी ने मलिक यौमिद्दीन पढ़ा, किस कारी ने मालिक यौमिद्दीन पढ़ा, किस कारी ने कोफ़ो वन अहद पढ़ा, किस कारी ने कोफ़ो अन अहद पढ़ा। समझे आप, ये जितना इल्मुल क़िरात है इस सब के साथ एक आम इंसान, एक आम कारी, एक आम मुकरी, एक आम मुफस्सिर
हिफ्ज़ कर सकता है कुरान मजीद को, लेकिन इसके अंदर इल्मी गहराइयाँ कितनी हैं या रसूलुल्लाह बता सकते हैं या वो बता सकता है जिसे रसूलुल्लाह ने बराह रास्त तालीम दिया हो, वो कह सकता है सलूनी सलूनी कबलान तफ़क़दूनी, मुझसे पूछ लो कबल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूँ। कुरान मजीद की एक एक आयत के बारे में मैं बता सकता हूँ, कौन हज़र में नाजिल हुई, कौन सफ़र में नाजिल हुई, कौन बर में नाजिल हुई, कौन बहर में नाजिल हुई, कौन हिजरत के बाद नाजिल हुई, कौन हिजरत के कबल नाजिल हुई, कौन हालत जंग में नाजिल हुई, कौन हालत सुलह में नाजिल हुई, कौन दिन में नाजिल हुई, कौन रात में नाजिल हुई, कौन घर में नाजिल हुई, कौन मैदान में नाजिल हुई, कौन मस्जिद में नाजिल हुई। और फरमाया आपने ये वो बता सकता है। और बार बार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने दावत सलूनी दी है, बार बार कहा है सलूनी सलूनी कबल अन तफ़क़दूनी। और सिर्फ ये नहीं कि कौन सी आयत कब और कहाँ नाजिल हुई, यानी सिर्फ शान नुज़ूल की बात नहीं की है बल्कि उसके मानी की बात की है। पूछ लो मुझसे इसकी तफसीर, पूछ लो पूछ लो मुझसे इसकी तरतील, पूछ लो तजवीद, पूछ लो तफसीर, पूछ लो तावील, पूछ लो। नारे हैदरी अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद खुदा की कसम, अगर नुस्खे कुरान और इल्म उलूम कुरान बराह रास्त अली से ले लिया जाता तो ये शुबह तहरीफ पैदा ही ना होता। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज ही मुतालआ कर रहा था अभी यहाँ आने से कबल, तो एक और रिवायत नज़र से गुजरी, उसूल काफ़ी में है। और ज़ाहिर है उसूल काफ़ी से और दूसरे मुफस्सरीन ने, दूसरे मुफस्सरीन और मुहद्दिसीन ने नकल किया है, अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी ने तफसीर अल-बुरहान में भी नकल किया। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये रिवायत है, और जहाँ तक इस हकीर ने तहकीक की उसकी सनद की तो बहरहाल इस फ़कीर के नज़दीक तो अमूमी जो मेयार बनाए गए हैं उन मेयारों को पेश नज़र रखकर इस हदीस को सहीहुस्सनद ही कहा जा सकता है, सहीहुस्सनद। और ख़ुद अल्लामा कुलैनी का जो मेयार है ज़ाहिर है उस मेयार पर बदरजे औला सहीहुस्सनद है, क्योंकि ये मेयार सेहत का ज़ाहिर है कि कुदमा के नज़दीक कुछ और था और अब मुताख़िरीन के नज़दीक कुछ और है, इल्म तरक्की करता है। तो कदीम मेयार पर भी ये हदीस सहीहुस्सनद है, और इन दोनों फ़िक्रों में ज़रा फ़र्क कर लिया कीजिए, हदीस सही है और हदीस सहीहुस्सनद है, दोनों में भी लतीफ़ फ़र्क है लेकिन हकीकी फ़र्क है। लेकिन इबारत देखें आप, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन, एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद इन अल्लाह तबारक व तआला तहरना व असमना व जअलना शुहदा अला खल्क़े وحجته في أرضه وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا الله أكبر। الله تبارك وتعالى ने हमें तहरना पाक व पाकीज़ा बनाया, और ख़ुद क़ुरान इसकी दलील है, आयत तत्हीर मौजूद है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज़्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाह सुभान व तआला ने हमें, मुझे नहीं फरमा रहे हैं, हमें, इन्नल्लाह तबारक व तआला तहरना, उसके बाद आसमना, और हमें मासूम बनाया,
बहुत से लोग कहते हैं कि आप हजरत खुद ही मुबालगा करते हैं, गुलू करते हैं, अपने इमामों को मासूम कहते हैं। कभी उन्होंने भी कहीं दावा किया कि हम मासूम हैं? तो अब ये किसी और मौके पर अर्ज़ करूँगा, कुरान से भी और रिवायात सहीहा से भी, कि कितने मौके पर मासूमीन ने तवज्जो दिलाई है कि हमें तुम अपना जैसा खताकार ना समझो, हमें अपना जैसा, अगर हम तुम्हारे जैसे खताकार होते तो हमारा कौलो फ़ेल तुम्हारे लिए हुज्जत कैसे बनता? एक खताकार का कौल व अमल दूसरे खताकार के लिए हुज्जत नहीं होता। आसमना तहरना व आसमना, हमें मासूम बनाया, और वजअलना शुहदा अला खल्क़े, और अपनी तमाम खिलकत पर हमें गवाह बनाया। वहुज्जतहु फी अर्ज़े, और हमें अपनी हुज्जत बनाया इस ज़मीन पर। और क्या किया? वजअलल कुरआन मअना, कुरान को हमारे साथ करार दिया और हमें कुरान के साथ करार दिया। जअलना मअल कुरआन वजअलल कुरआन मअना, ला युफारिकुना वला नुफारिकु, न हम कभी कुरान से जुदा हो सकते हैं न कुरान हमसे कभी जुदा हो सकता है। तवज्जो फरमा रहे आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मकामात पर, और बतौर खास मकाम गदीर खुम पर जो तफसीली खुतबा इरशाद फरमाया था, उसमें ऐलान किया था कि अलीयुन मअल कुरआन वल कुरआनु मअ अली, अली कुरान के साथ हैं और कुरान अली के साथ है। यहाँ वही अली जिनको रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये कुरान के साथ हैं और कुरान इनके साथ है, वो फरमा रहे हैं हम कुरान के साथ हैं और कुरान हमारे साथ है। यहाँ सिर्फ एक वाहिद मुतकल्लिम के सेगे में गुफ्तगू नहीं फरमाई, इसके मानी यह हैं कि इसी हदीस अलवी से साबित हो गया कि कुरान और हुसैन का रिश्ता भी वैसा ही है जैसे कुरान और अली का रिश्ता है, कुरान और हसन का रिश्ता भी वैसे ही है जैसे कुरान और अली का रिश्ता है, और कुरान और अली का रिश्ता वैसा ही है मानवी लिहाज से जैसे मुस्तफ़ा और कुरान का रिश्ता है, सिर्फ इस फर्क के साथ कि मुस्तफ़ा नबी हैं और उनके बाद कोई नबी होने वाला नहीं है। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले, नबूवत ख़त्म। जब हम कहते हैं अली को नफ़ से रसूल, तो ये नऊज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह, ख़त्म नबूवत पे इस पे हर्फ नहीं आता है। नबूवत ख़त्म है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। वो ख़ातमुन्नबीयीन भी हैं, ख़ातिमुन्नबीयीन भी हैं, वो सैयदुल्मुरसलीन भी हैं, वो अशरफुल्मुरसलीन भी हैं, वो साहिब मेराज पैगंबर, उस पर नबूवत ख़त्म हो गई। और ये जुमला ज़ाहिर है मेरा ही है, तो मैं जितनी बार दोहराऊँ किसी को एतराज़ का क्या हक़ हो सकता है। और ये जुमला इसलिए दोहराता हूँ ताकि आप हजरात को इस फ़कीर की ज़बानी याद रहे कि जब भी कहीं कोई पूछे, यूँ तो फ़लसफियाना एतबार से बड़ी लंबी चौड़ी बहसें की जाती हैं, और बाज़ हजरात नकली और समई हवालों से बहसें करते हैं, बाज़ हजरात सिर्फ़ अकली और हकीमाना अंदाज से बहसें करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पे नबूवत ख़त्म क्यों हो गई। ख़त्म नबूवत, फ़लसफ़े ख़त्म नबूवत, यानी बाज़ हजरात तो सवाल करते हैं ख़त्म क्यों हो गई, और बाज़ हजरात बयान करते हैं कि ख़त्म क्यों हो गई, अपनी तरफ से तौजीहें करते हैं कि इस वजह से ख़त्म हो गई नबूवत और इस वजह से ख़त्म हो गया सिलसिले नबूवत। सिलसिले नबूवत इसलिए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पे ख़त्म हुआ कि असलन हकीकत नबूवत मुनहसर है ज़ात मुस्तफ़ा में,
जो हकीकत जिस दायरे में मुनहसर होती है वहीं से शुरू होती है, वहीं पर ख़त्म होती है। इसीलिए अव्वलुन नबीयीन भी मुहम्मद हैं और आखिरुन नबीयीन भी मुहम्मद। मुहम्मद उस वक्त भी नबी थे जब आदम आबो गिल के दरमियान थे, और मुहम्मद खातमुन नबीयीन की हैसियत से ईसा के बाद आने वाले आखिरी नबी हैं। एक सलावात पढ़ दें मुहम्मद वाले में। ये सब हकीकतें एक दूसरे से मिली हुई हैं। कुरान, कुरान की हकीकत, कुरान की अजमत, कुरान की इस्मत। कुरान मासूम है, अगर दस्त तहरीफ पहुंच गया तो मासूम नहीं रह जाएगा। कुरान मासूम है, कुरान मासूम है। तो कुरान की हकीकत, कुरान की अजमत, कुरान की इस्मत, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हकीकत, आपकी अजमत, आपकी इस्मत, आपके अहले बैत से होने वाले इमामों की इमामत, हकीकत, अजमत, इस्मत, ये सब हकीकतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये सब हकीकतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मुसलमान, आम मुसलमान ये न समझे कि अगर दीन खुदा बाकी है आज और कुरान गैर मुहर्रफ शक्ल में बाकी है तो कुरान पर मुसलमान का कोई एहसान है। नहीं, ये कुरान किसी जाने कुरान के कायम रहने के सबब से कायम है। एक जाने रसूल, एक नफ़से रसूल, एक इमाम अहले बैत रसूल से एक हामी कुरान, एक हामिल कुरान, एक मुफस्सिर कुरान, एक मुअव्विल कुरान, एक हकीकत कुरान, एक कुरान नातिक आज भी मौजूद है पर्दे गैब में, वैसे ही जैसे खुद मानिए कुरान अल्फाज के पर्दे में आए। जैसे मानिए कुरान अल्फाज कुरान के पर्दे में है, वैसे ही जान कुरान, हुज्जत कुरान, बुरहान कुरान, इंसान कुरान पर्दे गैब में है। और जब मशीयत परवरदिगार होगी तो जाहिर होगा। एक बुलंद सलावात पढ़ दीजिए मुहम्मद वाले। और इनमें से हर एक की यही शान है जो हमारे सरकार सैयद शहदा अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की शान है। अब अगर हुसैन और कुरान के ताल्लुक से इस तरह से आदमी सोचे कि हर पहलू इस अजीम शख्सियत का कुरान से मुस्तंबत हो तो हाँ हो। पूछिए कि कुरान मजीद से हुसैन का ख़ानदान कैसे पूछेंगे, कहाँ से मालूम होगा? जवाब सामने, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। यह हुसैन के ख़ानदान का तारुफ है। कोई और दावा कर सकता है कि उसके ख़ानदान का तारुफ है? कोई दावा? इस दायरे में दाखिल होने की कोशिशें करते रहते हैं बहुत से लोग, मगर यह है तारुफ हुसैन का। और साफ साफ अगर ये पूछना हो कि हुसैन की को जो आप कहते हैं फर्जंदे रसूल, फर्जंदे रसूल, फर्जंदे रसूल, ये साबित कीजिए कुरान से कि हुसैन फर्जंदे रसूल हैं, मैं कहूँगा कि आपको शर्म आनी चाहिए। क्या वहदत और तसलीस का मुनाजरा और मुबाहला भूल गए? खुद कुरान कहता है वह अबना आना व अबनाकुम। जब तक कुरान में अबना आना और अबनाकुम मौजूद है, हुसैन फर्जंद रसूल हैं, ये हकीकत कुरान से सामने आ रही है। मसालिक से ऊपर उठकर दूसरे मसलक के लोगों को देख लीजिए, किसने क्या लिखा है, अबना आना व अबना आकुम। तो अबना आना रसूल अपने अबना अबना फर्जंदों में किसको ले गए? हसन और हुसैन। गौर फरमाया आपने, सीरत हुसैनी क्या है? मैं कहीं गालिबन लंदन में
एक अशरा इस आयत पर पढ़ चुका हूँ कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ता हर मुसलमान है, लेकिन ये सीरत सीरत हुसैन इब्न अली है। क़ुरान और हुसैन को अगर इस तरह देखना हो, ये क़ुरान है, मुस्तफ़ा की सीरत भी यही है। इन्ना सलाती हमारी नमाज व नुसुकी और हमारे तमाम आमाल, तमाम रसूम इबादत, तमाम क़ुरबानियाँ और हमारी ज़िंदगी और हमारी मौत सब अल्लाह के लिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक एक रुख से सरकार सैयद शुहदा की वहदत क़ुरान से साबित होती है। वहदत, इत्तेहाद, वहदत। वक्त गुजर गया, बहसें रह गईं, वरना इसी कुरान मजीद की तहरीफ और आदमी तहरीफ के शुबहे पर ख़ुद कुरान मजीद से बहुत से दलाइल मौजूद हैं, नुसूस मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आइंदा चंद तकारीर में उनका तस्किरा कर दूंगा। इनमें से कल मैंने एक आयत सिर्फ तिलावत की थी कि इन्ना नहनो नज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही हैं इस ज़िक्र को नाजिल करने वाले। खुदा फरमा रहा है हम ही हैं, हम हैं हम। अब कोई कह सकता है कि इसमें ज़िक्र का लफ्ज़ है, क़ुरान का लफ्ज़ तो नहीं है। तो अर्ज़ कर दूँ, पहली ही मजलिस में मैंने अर्ज़ किया था कि क़ुरान मजीद के बहुत से नाम हैं। क़ुरान मजीद का एक नाम क़ुरान है, एक नाम फ़ुरक़ान है, एक नाम अलकिताब है, एक नाम अन्नूर है, एक नाम अज़्ज़िक्र भी है। और अज़्ज़िक्र इस नाम में मानवी वसअत और भी ज़्यादा है, अज़्ज़िक्र में मानवी वसअत और भी ज़्यादा है। यानी ये अल्फाज क़ुरान से लेकर तफसीर क़ुरान और तावील क़ुरान और उस दीन और शरीयत क़ुरानी तक ये सब महदूद है। लफ्ज़ अज़्ज़िक्र जो कुछ क़ुरान से इस्तिंबात हो, ये लफ्ज़ ज़िक्र उस सब का इहाता करता है। और जो जो जान क़ुरान है वो सब मिसदाक़ ज़िक्र है। जो जो जान क़ुरान है वो तमाम हस्तियाँ मसादिक ज़िक्र में शामिल हैं। तो अल्लाह सुबहानहु व तआला क़ुरान की हिफाजत की भी ज़िम्मेदारी ले रहा है और इनकी इसकी हिफाजत करने वालों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी ले रहा है कि हुसैन इब्ने अली यक्का तन्हा करबला में शहीद हो जाएंगे, कौन होगा जो उनके ज़िक्र को बाकी रखे, कौन होगा जो उनके पैगाम को तहरीफ से बाकी रखे, वो भी बदस्त कुदरत बाकी रहेगा, वो भी बदस्त कुदरत बाकी रहेगा। कौन था करबला में, कौन था करबला में? बस गुफ्तगू को तारीखों की मुनासिबत से इख्तिताम तक पहुंचाऊं। हुसैन इब्ने अली मदीने से निकले, मक्के से भी निकलना पड़ा आपको, सफ़र तमाम किया कहाँ जाकर? करबला में। करबला में 2 मुहर्रम को आका हुसैन का काफिला पहुँचा, कारवान शहादत पहुँचा। और कितने अफराद थे, दुश्मनों की तादाद कितनी थी? अब ये सब वजाहत करने की ज़रूरत तो नहीं है ना। जो मैंने कहा वो जुमला दलील और बुरहान अपने साथ रखता है, वाज़ेहात में से है। कितने अफराद थे, सब शहीद हो गए, लेकिन आका हुसैन का तस्किरा आज भी दुनिया में ज़िंदा है और अपनी सच्चाई के साथ ज़िंदा है, अपनी सच्चाई के साथ बाकी है। बस अब चंद वाक़ियात की तरफ इस तरह इशारा कर दूं कि आपका जज्बा अज़ा आसूदा हो जाए। आका हुसैन ने जब अर्ज़ करबला पे पहुँचे हैं तो हमारे बाज़ रुवात ने भी, बाज़ अरबाब मकातिल ने भी, और बतौर ख़ास मरसिया
लिखने वालों ने इस मज़मून को बहुत पुरशिकोह अंदाज से अदा किया है कि चलते चलते घोड़ा रुक गया आका का। लोग इसे सिर्फ शायराना बयान समझेंगे, लेकिन मुझे इस रिवायत पर पूरा यकीन है विजदानन, और उसके कई करीने और कई असबाब हैं। असलन जो असील नस्ल के घोड़े होते हैं उनमें कुछ खसूसियतें होती हैं, खुदा दाद उनकी जो जिबिल्लत है, उनकी जो हैवानी फिरासत है, घोड़े की जो अपनी फिरासत है, वो उमूमन अपने सवार का बहुत वफ़ादार होता है, और अपनी पुश्त पे जो सवार होता है उसकी, जो मालिक होता है उसका, उसके ताल्लुक से आने वाली खुशियों और आने वाली मुसीबतों का एहसास भी उस हैवान को हो जाता है। ये तो आम घोड़ों में भी ये सिफतें होती हैं, असील नस्ल के जो आम घोड़े होते हैं, कहीं अगर आगे खतरा महसूस कर लें वो, तो लाख एड़ लगाए सवार आगे नहीं बढ़ते, अपने दोनों पांव खड़े कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ते। ये फितरत में दाखिल है उसकी। और अगर दूसरे कराइन रिवाई कराइन देखें तो आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीने तशरीफ़ ले गए थे तो आपने ख़ुद अपने नाके को कहीं नहीं रोका था, कहीं नहीं बिठाया था। लोग चाहते थे कि वो नाका, हर शख्स चाहता था हुजूर का चाहने वाला कि नाके को अपने दरवाज़े के सामने रोक ले और फिर उसी को मेज़बानी का शरफ़ मिले। हज़रत ने फरमाया कि इसे छोड़ दो, इन्हा मामूरा, मेरा ये नाका जो है ये मामूर है, यानी अल्लाह की तरफ से इसे बता दिया गया है कहाँ जाके बैठना है। रसूलुल्लाह भी मक्के से मदीने हिजरत करके आए थे अल्लाह की खातिर, हुसैन भी मदीने से करबला हिजरत करके आए थे अल्लाह की खातिर। मुझे यकीन है कि जिस घोड़े पर हुसैन तशरीफ़ फरमा थे उस पर भी हक़ सुबहाना हुआ ताला की तरफ से वो मामूर घोड़ा था। जब आका की क़ुरबानगाह आ गई तो बस ठहर गया, कहते हैं एक दो नहीं, छः या सात घोड़े आपने बदले मगर कोई आगे ना बढ़ा। तो आपने फिर वहाँ के लोगों को बुलाकर पूछना शुरू किया कौन सी जगह है ये, किसी ने कहा शत फुरात है, किसी ने कहा नैनवा है, किसी ने कहा गावरिया है, मुख्तलिफ़ नाम लोग बता रहे थे, लेकिन बिलाखर एक बूढ़ा शख्स आगे बढ़ा जो पहचानता था कि ये हुसैन इब्न अली हैं, बनी असद से उसका ताल्लुक़ था। उसने कहा फ़र्जंद रसूल हुसैन इब्न अली अबू अब्दुल्लाह, इस ज़मीन को करबला भी कहते हैं। अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह। आज आप इजाज़त दीजिए एक ऐसे शहीद की शहादत की तरफ इशारा कर दूँ इसी रिवायत के ज़िम्न में कि जिसका उमूमन तज़किरा नहीं होता। आपको मालूम है अर्ज़ करबला का ज़िक्र ज़बान मुबारक के पैगंबर पे भी आया है, अर्ज़ करबला का ज़िक्र ज़बान मुबारक के अमीरुल मोमिनीन पर भी आया है। जब अमीरुल मोमिनीन कूफे से जंग सफ़ीन के लिए जा रहे थे तो जाते जाते आपने एक मर्तबा घोड़े को रोका और बेताबाना घोड़े से ज़मीन पर आए। बेचैनी ज़ाहिर थी, बेताबी ज़ाहिर थी, एक इज़्तिराब, एक गम ज़ाहिर था, और जगह जगह से खाक उठाते थे, सूंघते थे और फेंक देते थे। और एक जगह की खाक उठाई और जब इस्तिशमाम फरमाया तो कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही मकाम है, यही वो जगह है, यही जहां हमारे बच्चे शहीद होंगे, जहां बनी हाशिम का एक गरोह ज़बह किया जाएगा। इमाम का ये अंदाज़, ये कलिमात सुनकर लोग हैरान थे। बाज़ रिवायतें मुख्तलिफ हैं, बाज़ रिवायतें कहती हैं कि आका इमाम हुसैन भी साथ थे, इमाम हसन साथ थे और असहाब इब्ने अब्बास, बहुत से अफराद साथ थे। वहाँ एक दरख्त था, आप उस दरख्त के करीब गए, वहाँ दो रकात नमाज पढ़ी, खूब देर तक दुआ की, खूब गिरिया किया,
और फरमाते जाते थे, सब्रन या अबा अब्दुल्ला, सब्रन या अबा अब्दुल्ला, सब्रन या अबा अब्दुल्ला, ए अबू अब्दुल्ला सब्र, ए अबू अब्दुल्ला सब्र, ए अबू अब्दुल्ला, अपने बेटे को कह रहे हैं हुसैन को, ए हुसैन मेरे बच्चे सब्र। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसी रिवायत के ज़िम्न में अब यहाँ करीना कायम होता है कि वो रिवायत, वो जो बूढ़ा था, यहाँ पर अर्ज़ करूँ कि कई अफराद वहाँ से गुज़रते थे तो देखते थे लक़ोदक मैदान में, बे आबो गया मैदान में एक छोटा सा खैमा, एक झोपड़ी लगा के एक शख्स रहता है तन्हा करबला में। और जब एक मरतबा किसी शख्स ने पूछा उससे, उसी के ख़ानदान के शख्स ने, अज़ीज़ ने, करीब ने, आप यहाँ क्यों रहते हैं, कहा मैंने अमीरुल मोमिनीन अली की ज़बानी सुना है, रसूलुल्लाह की यह हदीस, यहाँ रसूलुल्लाह का फर्जंद हुसैन कत्ल किया जाएगा। रसूलुल्लाह ने कहा है जो भी तुम में से ज़िंदा रहे और हुसैन के ज़माने तक पहुँचे उस पर वाजिब है कि हुसैन की नुसरत करे। मैं तो इसलिए यहाँ खैमा लगा के जी रहा हूँ कि रसूल की इस वसीयत पे अमल कर सकूं। मैं जब भी हुसैन पे यहाँ कोई सख्त वक्त पड़े तो मैं हुसैन पर जान निसार कर सकूं। अजब नहीं वो बूढ़ा शख्स जिसने इमाम से आकर कहा, आका ये सरजमीन करबला भी कहलाती है, ये वही ज़ईफ़ रहा हो और फिर आका हुसैन के हम रिकाब रहकर इसने अपनी पीरी के बावजूद, बुढ़ापे के बावजूद, रिवायत बताती है कि बेपनाह जंग की और आका हुसैन ने इसको ख़ुद अपनी आँखों से आंसू बहाकर खराज तहसीन पेश किया, उसके हक़ में दुआ की। दो एक फ़िक्रे और अर्ज़ कर लेने दीजिए, वक्त अगर से तमाम हो चुका है, क्योंकि उमूमन चौथी मुहर्रम को, उमूमन चौथी मुहर्रम को लोग हज़रत हुर का तज़किरा करते हैं, हुर के फ़र्ज़ंद का तज़किरा करते हैं, कभी कभी ज़ुहैर क़ैन का तज़किरा होता है। अब तफसीली तज़किरे का मौका नहीं है, मैं एक जुमला अर्ज़ करूँ सिर्फ, दोनों तज़किरे बहुत अजीम हैं, ज़ुहैर का भी और हुर का भी। इमाम हुसैन तो मासूम हैं, हज़रत अली अकबर इमाम ज़ादे हैं, हज़रत अब्बास इमाम ज़ादे हैं, इनकी शख्सियतें, इनकी हस्तियाँ बहुत बुलंद हैं, मगर आम इंसानों के लिए ये दो किरदार बहुत अहम हैं, एक हुर का किरदार, एक ज़ुहैर का किरदार। दोनों ने बेपनाह जंग की है करबला में, परवरदिगार ने दोनों को मर्तबे भी बहुत बुलंद अता किए, दोनों की अमूमी हैसियत से कोई अहमियत न थी, लेकिन जब आका हुसैन पर जान निसार कर दी तो फिर आज पूरी दुनिया उन्हें अलैहिस्सलाम कहती है। और ख़ुद हुसैन ने किस तरह इज़्ज़त अफजाई फरमाई है, ख़ुद हुसैन ज़ुहैर के लाशे पर भी आए, हुर के लाशे पर भी आए, और हुर तो हुर, रिवायत में है कि हुर का जवान बेटा अली इब्न हुर, जब वो जान दे रहा था, एड़ियाँ रगड़ रहा था, उसने अपने बाप को पुकारा, बाबा मैं अब आखिरी सलाम कर रहा हूँ, तो रिवायत बताती है, रावी नकल करते हैं, आका हुसैन हुर से पहले अली इब्न हुर के लाशे पर पहुँच गए। जब हुर पहुँचा, देखा हुसैन मुझसे पहले पहुँच चुके हैं और उसके बेटे के सर को लेकर अपने जानों पर रखा है, खाक झाड़ रहे हैं उसके गेसू से, उसके बालों से, उसके हक़ में दुआ कर रहे हैं। हुर ने एक मर्तबा कहा, आका फरजंदे रसूल, क्या मुझ जैसे गुनाहगार पर यह एहसान भी किया जाता है? इमाम ने कमाले शफ़क़त से फरमाया, हुर मुझे मालूम है बूढ़े बाप से जवान बेटे का लाशा उठाना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। अब आप इसीलिए तो तड़पते हैं, ये हुसैन हैं जो हुर को बता रहे हैं जवान बेटे का लाशा बूढ़े बाप से नहीं उठता। मगर अल्लाह अकबर, चंद सातों के बाद, नमाज़े ज़ोहर के बाद, जब अली अकबर सीने पर बर्छी का फल खाएंगे, उस वक्त भी कोई और ना होगा, हुसैन आएंगे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़ान बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।
रिजन में कदा ही व तस्लीम अमर। परवरदिगार हमें उलूम क़ुरान और मारफ़ अहले बैत से आशना फरमा। परवरदिगार हमारे ज़हनो क़ल्ब को नूर क़ुरान से मुनव्वर फरमा, नूर तौहीद व विलायत से मुनव्वर व मुतहर फरमा। परवरदिगार हमारे हाथों में हमेशा दामान ख़त्म नबूवत रहे। परवरदिगार हमारे सीनों में हमेशा चराग तौहीद रोशन रहे। परवरदिगार हमेशा हम सरात मुस्तकीम विलायत पे गामजन रहें। परवरदिगार माबूद हमारे सरों पर उलमाए हक़ का साया बरकरार रहें। परवरदिगार मरजियात दीनिया की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आका हुसैन के तमाम मातमियों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तमाम आज़ादारों को सरफराज फरमा। परवरदिगार माबूद अपने वली आखिर को इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत और राफत और अदालत का परचम लहरा दे। खत दे रहे दूर तलक
कर शिमरने से छिनी मैं सदा दे